हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग हैं कटिहार से और कुछ पता लगा है कि बहादुरगंज के कुछ गांव हैं जिनको भोरादास शमेसर कहते हैं, और उनके घर पर जाएंगे बाबुल भाई और हम। और कुछ ऐसा है उनमें, उनकी वो आवाज में आवाज़ खासियत में खासियत है, आवाज़ों के जादूगर हैं सुनने उनको में लोग जो सब है। दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, जो क्या आवाज़ों के जादूगर बोलते हैं, यानी मुंह से डीजे तो निकाले मुंह से सुनने डीजे में, निकालते हैं। तो चलते हैं हाँ उनसे हकीकत पूछते में हैं देखते हैं कैसा होता है कि किस डीजे। तरह का आवाज़ निकालता है ये, हम अपने जो है लोगों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। अशरफ बोलिए साहब हैप्पी हैं क्या? जी, खैरियत से हो आप? बस अल्लाह का करम है। कहाँ से आए आप हम लोग? लोग तो कटिहार से आए हैं आपके अच्छा पास। अच्छा बहुत ही तो दूर से आए। किसे आए आप लोग? हम लोग तो भाई अपना आपका नाम सुना भैया है भाई कुर्सी लीजिए, यानी डीजे यूट्यूब में कि डीजे आप मुंह से निकालते हैं। बॉय, यानी डीजे बॉय करके अभी आप जो है ना बहादुरगंज, पूरा बहादुरगंज जी किशनगंज में बैठे फेमस। बैठे आप लोग हाँ, बैठे पूरा बैठे बहादुरगंज, बैठे पूरा बहादुरगंज किशनगंज में फेमस हैं वैसे तो। आप हमारे जो है यूट्यूबर, जैसे जो भी हमारे यूट्यूब में अभी बने हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे या कुछ उनको सुनाना चाहेंगे? जी। वैसे तो हम इतना नहीं सुनाते, काम काज में बिजी रहते अच्छा, हैं। नहीं पब्लिक मतलब पर सुने हैं, जैसे कि जी थोड़ा आपने कभी हमारे अपना लोग मोबाइल से शूट किए थे, थोड़ा जो है नूर वाला जी, आया है, नूर हाँ लेके आया है, जी तो उसी उसी के इसमें जो है आप कुछ अपना मुंह से जो है गले से निकाल रहे हैं आवाज़, जी और कुछ डीजे का भी आपके पास आवाज़ है, बेहतरीन आवाज़ है, जो जी आपको जी डीजे बॉय के नाम से आपको पूरा बहादुरगंज जानते हैं। जी लेकिन बहादुरगंज में हमें उसे पूछे कि डीजे बॉय का घर किधर है, तो उसने बता दिया ऑटोमेटिक ही अशरफ भाई के घर बता रहे हैं। जी तो नाम ही है, तो आप थोड़ा सा जो है आप हमारे जो है साथ में जो है उनको अच्छा थोड़ा अच्छा बताइए कि आप किस ऐसी तरह बात से। है। हाँ, चाहे आप इसमें कीजिएगा तो इसमें भी बोल सकते हैं, अच्छा, या आपको नाथ पढ़ना आता है? नाद तो आता नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा डीजे बहुत थोड़ा पढ़ सुना दीजिए दीजिए। अपने हाँ, मुंह से, कौन सा नाद? जैसे नूर वाला आया ओ, है। बस थोड़ा सा दो हाँ, मिसरा। दो अच्छा मिसरा। ठीक है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। वाकई दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि अगर आप कोई भी नात गाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत धुन लगता है तो अशरफ भाई निकाल सकते हैं। क्या आप और भी सुने हैं कि आप डीजे जी का भी आवाज़ निकालते जी हैं? वो डीजे का आवाज़ किस तरह से होता है? वाह वाह वाह, क्या बात बोल रहे हैं कि फेमस आवाज़ में और दम एक है, आवाज़ में दम जी, है ना। वैसे नटी से भी निकाल तो देते हैं और मान लीजिए कभी और अगर भी एक कभी निकालते शादी हैं। उदी में अगर जाते हैं तो क्या डीजे उजे की जगह में आप अपना आवाज़ निकाल देते हैं क्या माइक बिल्कुल में? निकाल सकते निकाल हैं देते, तब तो डीजे बॉय जानते हैं आपको। आपका नाम क्या है? जी। मेरा नाम अशरफ रज़ा है आपका घर? जी। मेरा घर बस हाजी टोला भोरादास में सर। हाजी टोला भोरादार समय सर। आप जी बहादुरगंज के रहने वाले हैं ना, जी बहादुरगंज के रहने किशनगंज वाले डिस्ट्रिक्ट? जी, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो और हाँ भी मतलब एक आवाज़ निकालते हैं जो निकाल सर, नटी से बताइए निकालते थोड़ा हैं। हमारे दोस्तों को बताइए कि किस तरह की आवाज़ आपके पास है।